अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू रेसिपी, चिकन काली मिर्च ड्राई या अदरक वाला चिकन। ये रेसिपी आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको भी चिकन खाने का शौक़ है तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि ये वाली चिकन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है। रेसिपी को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 हरी मिर्च, 200 ग्राम अदरक, अदरक को इस तरह चॉप कर लेना है। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 kg चिकन, काली मिर्च को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई में 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। हल्का सा ही इसको गर्म कर लेना है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करना है। जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, आगे का प्रोसेस शुरू कर देंगे। इस रेसिपी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और बहुत टेस्टी भी बन जाती है। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन ये रेसिपी मुझे YouTube पर कहीं नहीं मिली, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लेते हैं। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आती है। चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देते हैं ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ को बीच में से कट करके इस तरह से डाल देंगे। अगर मिर्च छोटी है तो सिर्फ बीच में से कट कर लेना है, बड़ी है तो आप इसको 2 टुकड़ों में कट कर सकते हैं। तो सारी मिर्चों को कट करके हमने डाल दिया है। चिकन के साथ कुछ देर मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। इन्हीं मिर्चों से ही इसमें तीखापन आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे इस तरह से चॉप किया हुआ लच्छेदार अदरक। अदरक आपको इसी तरह से चॉप करना है क्योंकि इस रेसिपी का लुक एंड टेस्ट इसी चॉप किए हुए अदरक से आता है। सारा चॉप किया हुआ अदरक डाल दिया है। अब अदरक को भी इसी तरह से चलाते हुए थोड़ी देर फ्राई करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon सॉल्ट और साथ में डाल रहे हैं 1 tablespoon क्रश्ड ब्लैक पेपर और साथ में ऐड कर रहे हैं 1 tablespoon कर्ड। कर्ड आप कोई भी ले सकते हैं, हमने मार्केट से पैकेट वाले कर्ड लिए। आप चाहें तो घर में जमी हुई दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे मसाले चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे मसाले चिकन पर अच्छे से लग जाएं। अब इसमें 1/2 glass पानी ऐड करेंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट तक ढककर स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5-7 मिनट हो चुके हैं, चलिए खोलकर देख लेते हैं। बहुत अच्छे से खद्दे पड़ रहे हैं लेकिन काफ़ी सारा पानी बाकी है। जो पानी रह गया है उसको भी खुश्क कर लेना है। एक बोटी उठाकर चेक कर लेते हैं कि सही तरीके से गला है या नहीं। 90% गल चुका है, थोड़ी सी ही गुंजाइश बाकी रह गई है। जो पानी है इसी में ही इसको पूरी तरह से गला लेना है, चिकन भी अच्छे से गल जाए और जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाना चाहिए। पानी खुश्क करने के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे। ये एक चिकन ड्राई रेसिपी है, इसमें पानी या ग्रेवी बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो इसमें पानी रह गया है उसको खुश्क कर लेना है। यही इस रेसिपी की खासियत है कि ये ड्राई बनता है और काफ़ी स्पाइसी भी होता है। अब इसमें 1/2 tablespoon कुकिंग ऑयल और ऐड करेंगे। अब चिकन को लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें पानी बहुत कम रह गया है तो चिकन के जलने का खतरा बढ़ जाता है। फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाएंगे। काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। चिकन को पूरी तरह से गलने तक हमें पकाना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 amul बटर। बटर डालकर मिक्स कर देंगे।
कुछ देर तक और पकाएंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून फेनुग्रीक लीव्स यानी कसूरी मेथी। मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे चिकन में इसका फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सारे मसाले चिकन पर अच्छे से लग गए हैं। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा बटर और डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ करके लिड लगाकर 1 मिनट तक रेस्ट करने देंगे जिससे ऊपर से ऐड किया हुआ बटर मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन काली मिर्च ड्राई बनकर तैयार है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।